Hey guys, welcome back to Attorney's Bureau, and today we'll be discussing two legal terms, rather two English terms, in which we'll be discussing about their differences. So these are adultery and rape. So ye dono hi grievous offenses hain, ek against body hai aur dusra against marriage. So offense against body, offense against marriage. So ye crime body ke against kiya jata hai, matlab we all know what rape is, body pe kiya jata hai, and ye marriage ko dhoka dene mein adultery. This offense is committed without the consent of a woman except under 16 years of age. To isme woman ki consent nahi hoti, tab hum rape bolte hain. This offense is committed with the consent of a woman. This offense lacks the consent of her husband. To isme woman ki consent hoti hai, lekin uske husband ki consent nahi hoti. तो इसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज. तो द नेक्स्ट इज द एग्रीव्ड पार्टी इज अ वुमन. तो रेप वुमन का होता है. यहाँ पर जो पार्टी सफर करती है, जो विक्टिम होता है, वो वुमन होती है. द एग्रीव्ड पार्टी इज द हस्बैंड ऑफ द वुमन. तो इसमें हस्बैंड की कंसेंट नहीं होती, वुमन की तो कंसेंट होती है. एंड वी नो दैट वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, तो जो खुद हम वॉलंटरली हमने कुछ भी किया हो, तो उसमें अगर हमें कोई इंजरी हो जाए तो कोई इन द सेंस कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. तो इसका ये भी एक इन्फ्रेंस है कि हम वॉलंटरली कुछ भी करें, वो कभी भी हमारे अगेंस्ट क्राइम नहीं बन सकता. तो इसमें हस्बैंड होता है ग्रीव्ड पार्टी. अ वुमन कैन बी रेप्ड बाय हर हस्बैंड इफ शी इज बिलो 15 इयर्स ऑफ एज. तो मतलब अगर कोई मैरिज है और उसमें कोई लड़की 15 इयर्स से बिलो है, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो उसका रेप कर सकता है. मतलब कि उसका अगर कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप होगा दोनों में, तो वो रेप को रेप को अमाउंट करेगा. अ हस्बैंड कैन नॉट कमिट दिस ऑफेंस अगेंस्ट हिज वाइफ. तो हस्बैंड और वाइफ में कोई एडल्ट्री नहीं होती. एडल्ट्री इज बिटवीन अ वुमन एंड अ मैन हु इज नॉट हर हस्बैंड. The next is this offense can be committed against married or unmarried woman. तो इसमें कोई marital status नहीं होता. Woman married हो सकती है, unmarried हो सकती है, कोई child हो सकता है, कोई भी हो सकता है, provided she is a woman. This offense can be committed with married woman only. तो हमने देखा कि offense against marriage है. Again and again ये चीज emphasize करने वाली है कि adultery सिर्फ married woman के against ही हो सकती है. पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years और फाइन और बोथ, बट कैन बी रिड्यूस्ड. तो मतलब अगर कोई बहुत ग्रीवियस है, मतलब जो लड़की जो विक्टिम है वो बहुत वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, कोमा में चली गई या उसकी डेथ हो गई, देन देयर इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years, मतलब 10 साल तक जेल में, या फिर फाइन, या फिर दोनों. और ये रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब कम की जा सकती है सजा. द नेक्स्ट इज पनिशमेंट पीरियड ऑफ 5 years और फाइन और बोथ. मतलब 5 साल तक सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या सजा एंड फाइन बोथ कैन बी देयर. सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंसेस बिटवीन रेप एंड एडल्ट्री. एंड देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ रेप विच इज मैरिटल रेप. तो वो हस्बैंड वाइफ की कंसेंट के बिना उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करे, दैट इज नोन एज मैरिटल रेप, बट इट इज जनरली नॉट डिस्कस्ड इन लॉ. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.